बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमारे लेक्चर नंबर 120 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ लॉजिक्स फॉर्मूला ऑफ लिगियो और पॉलिनोमियल। आपके पास पॉलिनोमियल गिवन है और इस पॉलिनोमियल को हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म से सॉल्व करना है लाप्लास अप्लाई करके। अब देखें, जो ये आपका लेक्चर है और वो जो इससे नेक्स्ट लेक्चर है, ये दोनों लेक्चर सेम है। इसका जो लाप्लास का आंसर आएगा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, उन्होंने यही वाली चीज़ दी हुई है लेकिन उसको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर दिया हुआ है, और यही वाली चीज़ दी हुई है तो आपके पास ये वाला आंसर आ जाएगा। अभी हमने इसको सॉल्व करना है और इस फॉर्म के अंदर लेकर जाना है, nth टर्म के अंदर, बेसिकली पॉलिनोमियल्स के अंदर। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, और देखें लास्ट पे आपके पास जो क्वेश्चन है वही वाला हमने आपके पास क्वेश्चन वाले का आंसर आएगा। तो देखिए ध्यान से करेंगे, आपकी दोनों चीज़ें रिलेट करती हैं, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको अच्छे से समझ आए। होप सो कि आपको पिछला लेक्चर हैवीसाइड एक्सपेंशन थ्योरम अच्छे से समझ आया होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको कैसे लगा लास्ट वाला लेक्चर हैवीसाइड एक्सपेंशन थ्योरम। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना लिगियो और पॉलिनोमियल जो आपके पास गिवन है। अब ये बेसिकली ये जो आपका आई है ये लॉग नहीं है, ये एंथ टर्म या एल एन एफ टी को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये इसके इक्वल है। अब हमने ये वाली फॉर्म लेकर आनी है किसी तरह से, तो सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करेंगे। इसको प्रूव करने के लिए हम एक टर्म, हमें पता है कि टी की पावर एन के का लाप्लास का फार्मूला क्या होता है। टी की पावर एन मतलब कि अगर आप याद करें तो, अगर फार्मूले के रिस्पेक्ट से एक एग्जांपल भी देख लें तो इससे आपके एमसीक्यूज भी होते जाएंगे। जैसे मेरे पास एन की वैल्यू 1 है तो हम आपके पास फार्मूला होता था एन फैक्टोरियल ओवर एस की पावर एन प्लस 1, तो हमने टी का लाप्लास बताना है, लाप्लास ऑफ टी बताना है, तो आपके पास इसको भी ओके तो 1 ओवर एस की पावर में क्या हो जाएगा 1 + 1 स्क्वायर, तो लाप्लास ऑफ टी इज 1 ओवर स्क्वायर। तो देखें यहाँ पे आपके पास टी की पावर एन है, एंथ टर्म के लिए लाप्लास का फार्मूला बताना है, तो हमें पता है कि एन फैक्टोरियल ओवर एस की पावर में एन प्लस 1। अब एक टर्म हमने ले आई, अब हमें उस टी की पावर एन के साथ ई की पावर माइनस टी पड़ा हुआ है, अब हम इस वाली टर्म के साथ ई की पावर माइनस टी लिख देते हैं। तो एक्सपोनेंशियल टर्म का लाप्लास भी आपको पता है कि लाप्लास ऑफ एक्सपोनेंशियल टर्म क्या होता है, 1 ओवर s माइनस, अगर यहाँ पे प्लस टी होता तो s माइनस 1 होना था, यहाँ पे माइनस 1 है माइनस टी है, तो यहाँ पे आपके पास इसका लाप्लास 1 ओवर s + 1 होगा। तो आपके पास ये टी की पावर एन के अंदर जहाँ जहाँ पे s आ रहा है वहाँ पर हम s को s प्लस 1 से रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि हमारे पास एक्सपोनेंशियल टर्म का लाप्लास जो है वो ये वाली वैल्यू आई है। इसको क्यों ऐसे किया, अगर आप याद करें अपना फर्स्ट एक्सपेंशन थ्योरम जो आपका फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम था, और फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम के अंदर जब भी किसी भी फंक्शन के साथ एक्सपोनेंशियल वाली टर्म आ जाती थी वहाँ पे हम फंक्शन s को s माइनस a से रिप्लेस कर देते थे। तो हमारे पास फंक्शन t है और एक्सपोनेंशियल वाली टर्म साथ में आ रही है, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे उसको s को s माइनस a से रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पर भी हमने यही वाली चीज़ की है कि s को s माइनस a से जो है वो रिप्लेस कर दी है। मैं इसको ओपन करने की कोशिश करती हूँ अगर एट ए टाइम ओपन हो गया तो। आपके पास एस शिफ्टिंग थ्योरम जिसमें हमने फंक्शन को, जब भी आपके पास एक्सपोनेंशियल टर्म और साथ में फंक्शन आ जाता था तो हम उसके फंक्शन का लाप्लास लेते थे और उस फंक्शन का जो लाप्लास आता था वहाँ पे एस को एस माइनस ए से रिप्लेस कर देते थे। तो यहाँ पे भी आपके पास फंक्शन और एक्सपोनेंशियल टर्म आ रही है, आपने फंक्शन का लाप्लास लिया और जहाँ पे एस आया वहाँ पे एस को आपने एक्सपोनेंशियल वाले फंक्शन के लाप्लास के वैल्यू से रिप्लेस कर दिया है, तो आपके पास यहाँ पे ये इसकी वैल्यू आ गई है। अब दो टर्म्स होगी, इसके बाद अब आपके पास nth टर्म डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, तो हम ये nth टर्म डेरिवेटिव लगा लेते हैं साथ में। तो देखें जो चीज़ यहाँ पे बेसिकली लिखी हुई है ना, इस स्टेप को इधर लिखा होना चाहिए था, यहाँ से ज़्यादा रिलेट करता है। अब आपके पास इस लेंथ टर्म का लाप्लास हमने लेना है ई माइनस टी, बाकी सारी टर्म तो हमें मिल चुकी हैं। अब ये जो nth टर्म का लाप्लास है इसको हम, अब आपके पास लाप्लास और डेरिवेटिव दोनों है, हम डेरिवेटिव वाली टर्म को बाहर निकालें और फिर ये लाप्लास अंदर शिफ्ट करें, तो आपके पास ये जो बेसिकली डी बाई डी टी है इस वैल्यू को हम एस एन लिख सकते हैं, nth वैल्यू का लाप्लास, क्योंकि आपके पास किसी भी टी फंक्शन का लाप्लास एस में आता है तो हम इसको एस एन वैल्यू लिख सकते हैं। तो आपके पास एस एन और साथ में एन फैक्टोरियल और एस प्लस 1 की पावर में एन प्लस 1 हो चुका है। अब ये यहाँ तक टर्म सॉल्व हो चुकी हैं, अब इसके बाहर आपके पास ई टी और एन फैक्टोरियल रह गया है, तो अब हम ई टी को देखते हैं ई की पावर टी के लिए। तो आपको एक्सपोनेंशियल ऑफ टी का लाप्लास क्या होगा, आपके पास इसकी पावर में ई की पावर में प्लस 1 टी है, तो इसका लाप्लास होगा 1 ओवर s - 1। तो अब आप क्या करेंगे, अब आपके पास अगेन एक्सपोनेंशियल फंक्शन और साथ में आपके पास अगेन फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम यूज होगा, जिसको आप ट्रांसलेशन थ्योरम भी कहते हैं या एस शिफ्टिंग थ्योरम भी कहते हैं। तो अब आपके पास इसकी वैल्यू एस माइनस 1 आई है, अब आपके पास ऊपर जहाँ जहाँ पे एस आया वहाँ वहाँ पे एस माइनस 1 से रिप्लेस कर लेंगे, एंड फैक्टोरियल एस की जगह पे एस माइनस 1 और उसकी पावर में 1, यहाँ पे भी आपके पास एस की जगह पे एस माइनस 1 पुट करेंगे, तो आपके पास
यहाँ पे एस माइनस, यहाँ पे मैं लिख लगी हूँ माइनस वन, और आगे साथ में आपके पास प्लस प्लस वन भी पड़ा हुआ है, तो ये माइनस वन ये प्लस वन कैंसिल, आपके पास सिर्फ ऐसा रहेगा एस की पावर में एन प्लस वन, तो ये चीज़ आ गई है। आप एक्सपोनेंशियल टर्म का ये वाली चीज़ भी बन गया है। अब आपके पास यहाँ पे एक n फैक्टोरियल है, ये n फैक्टोरियल दूसरी साइड पे अगर जाए तो ये डिवाइड हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपके पास ये वाली सारी टर्म देखें, यही चीज़ हमने फाइंड करनी थी, और यही टर्म हमारे पास यहाँ पे बन चुकी है, और इसका जो लाप्लास आया हुआ s माइनस वन की पावर में s की पावर में प्लस वन। अब हमारा लेक्चर नंबर 121 सॉल्विंग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट। जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि हमारे ये दोनों लेक्चर रिलेट करते हैं, तो देखिए आपके पास अब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको ये आपकी एज अ लिग्योर इक्वेशन है, इसमें एक आपके पास वेरिएबल्स हैं, आप हमने इन वेरिएबल्स को लिग्योर इक्वेशन की हेल्प से सॉल्व करना है, और फिर एट द एंड आपके पास वही पॉलीनोमियल्स टर्म्स आएंगी जो हमारे पास प्रीवियस क्वेश्चन था, आंसर नहीं जो क्वेश्चन था। तो अब यहाँ पे आपके पास एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की बने, इसके दोनों साइड पर हम लाप्लास अप्लाई कर देंगे, टी वाई डबल प्राइम लाप्लास वन माइनस टी वाई प्राइम, और इन टर्म्स का लाप्लास। आप देखिए अब आपके पास यहाँ पे दो बोथ साइड के ऊपर लाप्लास अप्लाई करने के बाद लिनियरिटी प्रॉपर्टी की हेल्प से हम लाप्लास को हर टर्म के साथ सेपरेट आउट कर सकते हैं, तो हम हर टर्म के साथ लाप्लास को सेपरेट आउट कर लेंगे, इसके साथ लाप्लास, नेक्स्ट टर्म के साथ लाप्लास वन, फिर माइनस लाप्लास ऑफ टी वाई प्राइम, एन इंटू लाप्लास ऑफ वाई बचेगा। और आपके पास कुछ इनिशियल कंडीशंस, बाउंड्री कंडीशंस भी गिवन है। अब देखें आपको पता है कि लाप्लास ऑफ वाई को एज आप कैपिटल वाई लिख सकते हैं, अब यहाँ पे एक टर्म आपके पास लाप्लास ऑफ वाई का डेरिवेटिव है, एक डबल डेरिवेटिव है, और एक सिंगल डेरिवेटिव है। तो आप देखें, आपको अगर याद हो कि जब भी हमारे पास इससे पहले आपका इससे पहले के कुछ लेक्चर्स में आपने डिफ्रेंशिएशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ा, जब भी टी और साथ में आपके पास कोई फंक्शन आ जाता था, तो हम उस टी और जब भी कोई फंक्शन आ जाता था तो या फिर उस फंक्शन का डेरिवेटिव आ जाता था, तो हम उस फंक्शन को किससे रिप्लेस कर लेते थे, हम उस फंक्शन को माइनस ऑफ डी बाई डी एस माइनस वन डी बाई डी एस इंटू फंक्शन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एस से रिप्लेस कर लेते थे। तो हमारे पास भी यहाँ पे टी वाई प्राइम है, यहाँ टी वाई डबल प्राइम है, तो अभी हम सिंगल डेरिवेटिव से स्टार्ट करेंगे, तो हम इसको डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन के डेरिवेटिव से रिप्लेस कर सकते हैं। अब आपको लाप्लास सिंगल डेरिवेटिव का फॉर्मूला बताया, जो कि हम लेक्चर नंबर 8 के अंदर प्रूव करके आए, प्रूफ भी किया, अगर प्रूफ आपके पास पेपर में आ सकता है, क्योंकि ये छोटे छोटे प्रूफ है, और अगर प्रूफ याद नहीं, आपको फॉर्मूला सडन याद नहीं रहता, तो आप सिंपल एन टर्म का फॉर्मूला याद रख लें, एन वन पुट किया, लाप्लास ऑफ वाई है तो लाप्लास ऑफ वाई की डेरिवेटिव, फिर एस की पावर में वन लाप्लास ऑफ वाई, फिर एस की पावर में वन माइनस वन जीरो, तो एस की पावर में जीरो वन ही होता है, और यहाँ पे आपके पास जीरो एफ ऑफ जीरो आएगा, तो एस लाप्लास ऑफ वाई माइनस एस सॉरी एस की पावर जीरो, एस लाप्लास ऑफ वाई माइनस एफ ऑफ जीरो हमारे पास फॉर्मूला बन गया, एफ ऑफ जीरो मतलब वाई ऑफ जीरो, तो आपके पास ये इसका फॉर्मूला। अब लाप्लास ऑफ वाई आपने कहा कि वाई की इक्वल होता है, तो इस लाप्लास ऑफ वाई की जगह वाई पुट कर लिया, और आपके पास बाउंड्री कंडीशन थी वाई जीरो जीरो की इक्वल है, तो इसकी जगह जीरो पुट कर लिया, तो आपके पास लाप्लास ऑफ वाई का डेरिवेटिव एस वाई की इक्वल आ चुका है, ये आपके पास फंक्शन आ गया। अब आपने इस एस वाई का डेरिवेटिव लेना है, आपके पास ये बेसिकली कौन सी टर्म आई है, आपने इसको एवेलुएट किया, तो आपके पास एक टर्म आई एस वाई। अब आपने यहाँ पे जब आपने इस फंक्शन को रिप्लेस कर लिया ना, फंक्शन का डेरिवेटिव ऑफ एस हम इसको इस तरह से लिखते हैं, तो आपके पास ये टर्म को हम एफ डेरिवेटिव एफ प्राइम ऑफ एस कह रहे हैं, ठीक है। अब आपने इसका डेरिवेटिव लेना, आप किसका डेरिवेटिव लेना, एस वाई का डेरिवेटिव लेना है, दो टर्म्स है, जब दो टर्म्स हो तो आप प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज, तो फर्स्ट फंक्शन माइनस साइन बाहर ही रहने दें, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे, एस का डेरिवेटिव वन आ जाएगा और सेकंड एज इट इज साथ में, तो वाई आपके पास साथ में एज इट इज आ गया, माइनस साइन सॉरी प्लस साइन आता है प्रोडक्ट रूल में, फिर फर्स्ट का डेरिवेटिव और आपके पास सॉरी फिर फर्स्ट एज इट इज और सेकंड का डेरिवेटिव, तो सेकंड का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एस होगा, तो माइनस साइन है आपके पास बाहर, तो माइनस डी वाई बाई डी एस हो चुका है, तो आपके पास इसका जो डेरिवेटिव बना वो माइनस वाई माइनस एस, ये माइनस यहाँ पे जो माइनस आया ये माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, तो ये माइनस ये होगा। अब हमारे पास इस टर्म का डेरिवेटिव भी आ चुका है, लाप्लास ऑफ वाई प्राइम का भी आ चुका है, सिर्फ फर्स्ट टर्म बाकी बच गया, इसका डेरिवेटिव बताना है। उसी तरह से लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव में डबल डेरिवेटिव का जो फॉर्मूला है वो यूज़ करेंगे, यहाँ पे डबल डेरिवेटिव का फॉर्मूला डायरेक्ट लिखा हुआ है, अगर आपको समझ नहीं आती तो इस फॉर्मूले में एन की जगह पर टू पुट करें तो आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा। अब आपके पास वाई भी फंक्शन है, तो लाप्लास ऑफ वाई डबल डेरिवेटिव, यहाँ पे भी आपके पास एस स्क्वायर लाप्लास ऑफ वाई, यहाँ पे आपके पास एस वाई ऑफ जीरो, और यहाँ पे आपके पास वाई प्राइम ऑफ जीरो बन जाएगा। अब आपके पास वाई ऑफ जीरो भी जीरो है, वाई प्राइम ऑफ जीरो भी जीरो है, तो ये दोनों टर्म जीरो होगी, एस स्क्वायर लाप्लास ऑफ वाई रह गया, लाप्लास ऑफ वाई को हमने लेट किया था वाई के इक्वल है, तो एस स्क्वायर वाई के लाप्लास ऑफ वाई डबल प्राइम की वैल्यू क्या आ चुकी है, एस स्क्वायर वाई आ चुकी है। तो उसी तरह से टी वाई डबल प्राइम का बता रहे हैं, डबल डेरिवेटिव इसको डबल डेरिवेटिव लिखा और एस स्क्वायर वाई लिख लिया, उसी तरह से प्रोडक्ट रूल लगाएं, माइनस साइन को आप कॉमन ही रहने दें, फिर फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, तो एस स्क्वायर का डेरिवेटिव आपके पास क्या होगा, टू एस होगा, तो टू एस वाई आ गया, माइनस साइन मैं बाहर लिखने लगी हूँ, फिर प्लस आएगा और
एच स्क्वायर एज इट इज, और फिर आपके पास वाई का डेरिवेटिव, तो वाई का डेरिवेटिव को आप डी वाई बाई डी एस लिखेंगे, तो यही चीज लिखी है। फिर माइनस साइन को बेशक अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास ये टर्म्स आ गए, तीनों वैल्यूज आ चुकी हैं, तीनों लाप्लासेस को इसके अंदर पुट कर लें, माइनस टू एस वाई माइनस एस स्क्वायर डी वाई बाई डी एस। फिर लाप्लास ऑफ वाई प्राइम की वैल्यू आई है आपके पास, लाप्लास ऑफ वाई प्राइम की वैल्यू आई है आपके पास एस वाई, ये पुट की आपके पास प्लस एस वाई हो गया। फिर माइनस लाप्लास ऑफ की वाई प्राइम की वैल्यू ये आई है, तो माइनस वाई माइनस एस डी वाई बाई डी एस, और एन और लाप्लास ऑफ वाई को हमने वाई लेट किया था या वाई के ही वो बोला था, तो ये टर्म्स आपके पास आ चुकी हैं। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, आप टर्म्स को इकट्ठा कर लें। आपके पास एक वाई वाला फंक्शन है, एक डी वाई बाई डी एस वाला फंक्शन है। अब वाई वाला फंक्शन कौन कौन सा, ये वाला माइनस टू एस वाई, फिर आपके पास माइनस वाई, और ये एन वाई, और ये एस वाई, ये आपके पास सारे वाई वाले फंक्शन, तो हम इनको इकट्ठा करने करते हैं, तो आपके पास माइनस टू एस, ये आपके पास प्लस एस बनेगा, माइनस टू एस प्लस एस। अब ये आपके पास बाहर में माइनस है, तो ये अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, तो ये वाला माइनस वाई है, तो यहाँ पे प्लस वाई हो जाएगा, तो आप प्लस वाई बनेगा ना, तो बेसिकली हम वाई तो कॉमन ले रहे हैं, तो आपके पास वाई जब कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे वन रह जाएगा, उसके बाद यहाँ पे प्लस एन आ जाएगा, और आप इन सारी टर्म्स को इकट्ठा करके जब लिखेंगे तो आपके पास यहाँ पे प्लस एन आ गया, तो माइनस टू एस प्लस एस आपके पास माइनस एस के इक्वल हो गया, माइनस एस प्लस वन, और आपके पास प्लस वन, और यहाँ पे माइनस एन, तो माइनस एस प्लस वन सॉरी प्लस एन, माइनस एस प्लस वन और प्लस एन आपके पास, ये इसकी टर्म का एन प्लस वन माइनस एस आ गया, और वाई हमने ऐसा कॉमन है, आप इसको ब्रैकेट लगा के बाहर वाई भी लिख लें, तो आपके पास ये इसकी वाई वाली टर्म होगी। आप डी वाई बाई डी एस वाली टर्म को इकट्ठा करें तो माइनस एस स्क्वायर वाली एक टर्म है और एक माइनस एस वाली टर्म है, तो माइनस माइनस एस स्क्वायर। अब यहाँ पे इसके साथ माइनस क्यों नहीं है, बाहर माइनस था, तो जिसकी वजह से यहाँ पे प्लस एस हो जाएगा, तो एस माइनस एस स्क्वायर डी वाई बाई डी एस टर्म्स आप ऐसे यहाँ से कॉमन आ सकता है, ये कॉमन ले लिया, ये दूसरी साइड पर जाके फंक्शन यहाँ प्लस दूसरी साइड पर माइनस हो जाएगा, तो आपके पास ये टर्म जब माइनस हो जाएंगी तो एन के साथ जब ये दूसरी साइड पे जाएगा तो बाहर माइनस हो जाएगा, तो मैं इसको यहाँ पे डायरेक्ट करके बताने लगी हूँ, ये माइनस हो जाएगा, तो आप माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर लें, तो माइनस एन माइनस वन प्लस एस बन जाएगा, तो माइनस एन माइनस वन प्लस एस बन गया। अब आपके पास ये टर्म, अब आप इसको सेपरेबल इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं, सेपरेट कर लें वेरिएबल्स को, वाई वाले वेरिएबल्स को एक साइड पे और एस वाले वेरिएबल्स को एक साइड पे, तो डी वाई और ये वाई इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और आपके पास ये डी एस दूसरी साइड पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, एस माइनस एन माइनस वन के साथ चला जाएगा, और ये एस माइनस वन माइनस एस इधर इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आएगा, इस साइड पे आएगा, तो डिवाइड हो जाएगा ये टर्म्स। अब आप इसको सेपरेट आउट कर सकते हैं, दो टर्म्स आपके पास बन रही हैं, दो टर्म्स किस तरह से बन रही हैं, आप सबसे पहले तो टर्म्स को सेपरेट करेंगे, यहाँ पे आपके पास एक टर्म है एस फंक्शन के लिए और एक है एन माइनस वन के लिए। अब ये एस भी इस सारे फंक्शन से डिवाइड हो रहा है और एन माइनस वन भी इस सारे फंक्शन से डिवाइड हो रहा है, जब एस इस सारे फंक्शन से डिवाइड होगा तो एस इस एस से कैंसिल हो जाएगा, तो वन ओवर वन माइनस एस रह जाएगा, फिर माइनस साइन आया, फिर एन माइनस है तो बाहर माइनस है तो अंदर यहाँ पे माइनस की जगह पे प्लस हो जाएगा, तो एन प्लस वन, अब एन प्लस वन भी इस सारे फंक्शन से डिवाइड हो रहा है इस सारे से, तो ये टर्म्स आ गई हैं। अब फर्स्ट अब वन ओवर वन माइनस एस, तो एज इट इज डी एस सेपरेट कर दोनों टर्म्स के साथ लिख लिया, एन प्लस वन बाहर और आपके पास एन प्लस वन बाहर और आपके पास यहाँ पे जो टर्म बनी वो वन ओवर एस इंटू वन माइनस एस बनी। अब वन ओवर एस इंटू एस माइनस वन के ऊपर हम पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ करेंगे, तो पहली बार हम टर्म्स को सेपरेट आउट कर लेते हैं, इक्वल साइन लगा लेते हैं इधर, तो एक दफ़ा ए ओवर एस वन लिखेंगे और फिर बी ओवर एस माइनस वन लिखेंगे, ये दो टर्म्स हमारे पास आ चुकी हैं। अब आप क्या करें, एस और एस माइनस वन को दोनों साइड पर मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ पे सिर्फ ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी, यहाँ पे सिर्फ वन बचेगा, यहाँ पे आपके पास ए के साथ एस माइनस वन आ जाएगा और बी के साथ आपके पास एस आ जाएगा, जो ये जो नीचे वाली टर्म्स है ना ये सारी कैंसिल आउट हो जाएंगी। अब आप एस माइनस वन को जीरो के इक्वल रखें तो आपके पास एस माइनस वन को जीरो के इक्वल रखने से आपके पास बी की वैल्यू आ जाएगी, जो बी की वैल्यू आएगी वो आपके पास आएगी, बी की जो वैल्यू आएगी एस माइनस वन को जीरो के इक्वल रखने पर आपके पास वन ही आएगी। ओके बी की वैल्यू वन आ जाएगी, तो आप इस बी की जगह पर वन पुट कर लें, वन अवर एस माइनस वन, ये बी की वैल्यू आ गई। उसके बाद आप एस को जीरो पुट कर सकते हैं, तो एस को जीरो पुट करेंगे तो आपके पास ए की वैल्यू आ जाएगी, जो ए की वैल्यू आएगी वो आपके पास आएगी माइनस वन, तो आप इसको माइनस वन आप इसको अवेलुएट कर लें, अदरवाइज अभी तो मैंने बस ऐसा ऊपर से देख के बता दिया, आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ए और बी की वैल्यूज, आप आपने ए और बी की वैल्यूज यहाँ पे पुट कर ली है, ठीक है। अब आपके पास ये टर्म्स बन चुकी हैं, इसको मजीद किस तरह से सॉल्व करेंगे, आपके पास डी वाई बाई डी वाई, अब ये टर्म्स आ गई, इस वाली टर्म्स की आप एलसीएम ले लें, तो इस वाले पार्ट का जब आप एलसीएम लेंगे तो आपके पास यहाँ से एस माइनस वन प्लस एस बनेगा, तो वन ओवर एस इंटू एस माइनस वन रह जाएगा, और यहाँ पे आपके पास वन माइनस एस और डी एस है। अब टर्म्स को अवेलुएट करने के बाद आप अगेन उसी तरह की टर्म्स में आ चुके हैं जहाँ पे आपके पास वैल्यूज दो टर्म्स बन रही हैं, आपने इसकी एलसीएम ले लेना है, तो आपके पास अगेन इस तरह से टर्म्स आ गए। अब एन
ये वन इस वन से कैंसिल, माइनस एन ओवर वन माइनस एस हो गया। ये माइनस साइन की वजह से ये डिनोमिनेटर वाली टर्म्स एस माइनस वन बन जाएगी, फिर आपके पास ये टर्म्स आ गई हैं। अब आपके पास डी वाई बाई डी वाई है, डी वाई बाई वाई है, दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो हमेशा आपको पता है कि जब भी डी वाई बाई वाई ऐसा फंक्शन हो तो उसका ये इसकी इंटीग्रेशन आपके पास लॉग ऑफ वाई होती है। इसकी इंटीग्रेशन आपके पास एन एक कॉन्स्टेंट है, और वन ओवर एस माइनस वन की इंटीग्रेशन आपके पास लॉग ऑफ एस माइनस वन हो सकती है, और एन प्लस वन बाहर, और वन ओवर एस की इंटीग्रेशन आपके पास लॉग ऑफ एस हो सकती है, तो एन प्लस वन बाहर। अब आपके पास लॉग की प्रॉपर्टी की हद से ये पावर, ये वैल्यू स्टार्ट इसकी पावर में चली जाएंगी, तो लॉग ऑफ एस माइनस वन की पावर में एन, और लॉग ऑफ एस की पावर में एन प्लस वन आ गया। अब आपके पास ये टर्म आ गई। अब लॉग लॉग की प्रॉपर्टी है, दो वैल्यूज माइनस हो रही हूँ तो हम उसको सब्ट्रैक्ट करके लिख सकते हैं, सब्ट्रैक्ट करके लिख लिया, लॉग लॉग से कैंसिल, वाई की वैल्यू आ चुकी है। अब आपके पास वाई का फंक्शन आ गया। अब दोनों आपके पास बेसिकली आंसर किस में आया, एस में आया है, तो अब दोनों आप इसके ऊपर इन्वर्स लाप्लास अप्लाई करते हैं। जैसे ही आप इस फंक्शन के ऊपर इन्वर्स लाप्लास अप्लाई करेंगे तो इन्वर्स लाप्लास अप्लाई करने से आपके पास ये वाला फंक्शन आ चुका है। अगर आप इन्वर्स लाप्लास अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास जो प्रीवियस एग्जाम्पल थी इसको उल्टा करके सॉल्व करना स्टार्ट कर दें, इसको इन्वर्स करके लाप्लास करके सॉल्व करें, इसका इस वैल्यू का इन्वर्स लें, फिर आपके पास की वैल्यू आएगी, फिर इसका अगेन इन्वर्स लें तो ये वैल्यू आएगी, और एट द एंड आप अपने क्वेश्चन वाली वैल्यू के ऊपर ही पहुंचेंगे। तो ये था हमारे पास 121 लेक्चर, होप्स आपको समझ आया होगा। अगर कोई पॉइंट्स नहीं समझ आता तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता दें। इसके बाद हमारा नेक्स्ट लेक्चर नंबर 122, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसको कवर करूँगी। अभी तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।